हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल सोनू इन्फोटेक। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ फ्रंट टेक मदरबोर्ड पर विंडोज कैसे इंस्टॉल की जाती है। तो यहाँ पर आप देखेंगे हमारे पास है फ्रंट टेक का मदरबोर्ड है ये H81। तो यहाँ पर ये देखिए, मैं आपको जूम करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर हमारे पास फ्रंट टेक का मदरबोर्ड है H81। ये देखिए, ये i3 सिस्टम है फोर्थ जनरेशन में। तो यहाँ पर हम इसमें आज विंडोज आपको इंस्टॉल करके दिखाएंगे। तो सबसे पहले आपके पास होनी चाहिए एक पोर्टेबल पेन ड्राइव, जो कि मैं आपको लगभग सभी अपनी विंडोज की जो वीडियो बनाता हूँ उसमें बताता हूँ। ये देखिए, हमारे पास है पोर्टेबल पेन ड्राइव। ये NTFS बूट है, सिंगल बूट है, ये मल्टीपल बूट नहीं है। इसमें विंडोज 10 की ISO इंस्टॉल्ड है, यानी विंडोज 10 की जो ISO होती है वो एक्सट्रैक्ट की हुई है। यहाँ पर आप देखेंगे इसे किसी भी पोर्ट में हम इंसर्ट कर सकते हैं। ये देखिए, मैंने यहाँ पर ये USB पोर्ट में इंसर्ट कर दिया है। इंसर्ट करने के बाद आपको क्या करना है, बिल्कुल सीधा और सिंपल स्टेप लेना है। यहाँ पर देखिए, मैंने पावर लगाई है, VGA लगाई है, कीबोर्ड माउस लगाए हुए हैं। तो यहाँ से आपको पावर ऑन करना है और सबसे पहले आपकी BIOS की सेटिंग करनी है। पावर ऑन होने के बाद यहाँ से आपको डिलीट बटन को प्रेस करते रहना है जब तक आप बायोस मोड पर नहीं चले जाते। तो ये देखिए, यहाँ पर मैंने बायोस मोड एक्टिवेट कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे ये बायोस मोड है। यहाँ पर आपको थोड़ी सी सेटिंग करनी होगी, यहाँ पर कुछ सेटिंग में चेंजिंग होती है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम चले जाते हैं बूट सेक्शन में और नीचे की तरफ जाएंगे। यहाँ पर आपको दिखाई देगा बूट ऑप्शन #1। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये दो ऑप्शन आपको ऐसे दिखाई देंगे अगर आप फ्रंट टेक के मदरबोर्ड पर विंडोज इंस्टॉल कर रहे हैं। तो यहाँ पर आपको क्या करना है, F9 बटन प्रेस करना है। F9 बटन के बाद आप प्रेस करेंगे, सिर्फ एक बार प्रेस करना है। प्रेस करने के बाद ये दिखाई देगा आपको लोड ऑप्टोमाइज डिफॉल्ट। तो यहाँ से आपको यस कर देना है एंटर करके। ये देखिए, मैंने एंटर करके इसे यस कर दिया है। यस करने के बाद आप देखेंगे वापस बूट मेन्यू में, तो किंगस्टन की जो पेन ड्राइव है वो ऊपर की साइड आ गई है, लेकिन इसे ऊपर की साइड नहीं रखना है। यहाँ पर आपको बूट पर एंटर करना है और यहाँ से ये देखिए, ये दोनों साइड आ गई हैं। इसे बैक कर देते हैं, वापस हटाते हैं। ये देखिए, मैं इसे फर्स्ट बूट कर देता हूँ साइबर एक्स को। ये देखिए, साइबर एक्स जो हमारी SSD है, हमने उसे बूट कर दी है फर्स्ट बूट पर। तो यहाँ पर आपको F10 प्रेस करना है। ये देखिए, आपकी जो बायो सेटिंग है वो सेव हो जाएगी, सेव कॉन्फिगरेशन एंड एग्जिट, सेव भी हो जाएगी और आप एग्जिट भी हो जाएंगे। इसके बाद आपको क्या करना है, यस पर लाने के बाद एंटर करना है और F11 बटन को प्रेस करते रहना है। देखिए, मैं F11 बटन को प्रेस कर रहा हूँ। यहाँ पर देख सकते हैं आप, F11 बटन जो होता है हमारा यहाँ पर बूट ऑप्शन होता है। देखिए, हमारी डिवाइस बूट हो गई है। तो यहाँ से आपको किंगस्टन की जो पेन ड्राइव है उसे सेलेक्ट करना है और एंटर कर देना है। ये देखिए, मैंने एंटर किया। एंटर करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन शो होगी। स्क्रीन शो होने के बाद यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले लैंग्वेज, तो आप किस इंस्टॉल में, किस लैंग्वेज में इंस्टॉल करना चाहते हैं वो सेलेक्ट कर ले लिए और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से आपको इंस्टॉल नाउ क्लिक करना है। इंस्टॉल नाउ क्लिक करने के बाद आपको लगातार मेरे स्टेप फॉलो करने होंगे, जिससे आप बड़ी ही आसानी से अपनी विंडोज इंस्टॉल कर लेंगे। तो यहाँ पर आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की अगर आपके सिस्टम में दिखाता है, तो आपको भी आई डोंट हैव ए प्रोडक्ट की ही करना होगा। नहीं तो अगर आपके पास की है तो आप की इंस्टॉल कर सकते हैं। तो जो भी आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है यहाँ से आप उसे सेलेक्ट कर सकते हैं। मैं विंडोज 10 प्रो इंस्टॉल कर रहा हूँ, तो यहाँ पर विंडोज 10 प्रो सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से मैंने इसे नेक्स्ट कर दिया। नेक्स्ट करने के बाद ये आप देखेंगे टर्म्स एंड लाइसेंस को एक्सेप्ट करना है और नेक्स्ट कर देना है। यहाँ से हम कस्टम सेलेक्ट कर रहे हैं, अपग्रेड भी कर सकते हैं। यहाँ से हम कस्टम कर रहे हैं तो कस्टम पर क्लिक करेंगे। और यहाँ से आपको एक बात का ध्यान रखना है, जिसमें आपकी विंडोज पहले है इंस्टॉल आप उसी में इंस्टॉल करें या फिर उसी पार्टीशन को डिलीट करें, दूसरा पार्टीशन कोई भी डिलीट ना करें। आप मेरी राय माने तो पहले अपने जिस पार्टीशन में आपको विंडोज इंस्टॉल करनी है उस पार्टीशन को रिनेम कर दें और उसके बाद विंडोज इंस्टॉल करें, जिससे आपको आसानी रहेगी यहाँ समझने में। ये देखिए, ये मैंने यहाँ से पार्टीशन डिलीट करने के बाद वापस क्रिएट किया है। तो यहाँ से मैं पहले सिस्टम रिजर्व जो होता है उसको फॉर्मेट कर लेता हूँ और उसके बाद जिस पार्टीशन में विंडोज इंस्टॉल होगी उसको फॉर्मेट कर लेता हूँ। फॉर्मेट करने के बाद यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर दूंगा। ये देखिए, ये फॉर्मेट हो गया है और यहाँ से मैं इसे नेक्स्ट कर देता हूँ। नेक्स्ट करने के बाद हमारी विंडोज इंस्टॉल होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जैसे मैंने किया है,
आपको भी बिल्कुल ऐसे ही करना है, और मेरे स्टेप आप फॉलो करेंगे तो बहुत ही आसानी से आप विंडोज इंस्टॉल कर पाएंगे। तो दोस्तों, आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।